सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मजे में होने पीछे आपको टाइटल में देखे पता चल गया आज का ब्लॉग स्विमिंग पूल में रहने वाला है। हाँ, आज हम स्विमिंग पूल जा रहे हैं मज़े कर रहे हैं आपके लिए एक ब्लॉग भी बनाने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा, नहा के भी आएंगे, दिन को पानी में रहेंगे और मैं आपको स्विमिंग पूल के बारे में पूरा बताऊँगा, लोकेशन भी पूरा बताऊँगा किस स्विमिंग पूल में जा रहे हैं हम और कौन से स्विमिंग पूल में कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन है, सब कुछ बताऊंगा स्विमिंग पूल के बारे में। अभी मैं चलता हूँ, अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट करने आज मैं बाहर ही चलता हूँ, बाहर से ही करता हूँ टी स्टॉल पे ब्रेकफास्ट। अभी हम निकलते हैं, थोड़े टाइम बाद मिलते हैं आपसे। बस एंड तक देखने वाला, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना और लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर। मिलता थोड़े टाइम बाद आपसे। देना दो कप चाय। सो फाइनली अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे चाय पीने। अभी हम चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे हम 1 बजे, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट करके। अभी कहाँ पे जा रहे हो? स्विमिंग पूल। और कौन आएगा? 10। वो कहाँ उतरी है? सुनना उड़ गया उसको। सो गाइस, ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब हम निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं थोड़ा टाइम बाद आपसे। सो गाइस, अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है तो अब हम यहाँ से निकलते हैं स्विमिंग पूल के लिए। गाइस, आज ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है स्विमिंग पूल में। मैं बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ, लगभग आज 2-3 महीने के बाद जा रहा हूँ। जब मैं लास्ट टाइम गया था उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, तो अब हम निकलते हैं। एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, बिकॉज मज़ा आने वाला है आज बहुत ज़्यादा। अभी मैं ऊपर फ्रेंड को पिकअप करता हूँ, फ्रेंड ऊपर वेट कर रहा होगा। अभी मैं फ्रेंड के पास चलता हूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं स्विमिंग पूल। बाकी गाइस, मैं स्विमिंग पूल के बारे में आपको A to Z बताऊँगा, बस आप एंड तक देखना। और ज़बरदस्त स्विमिंग पूल तो ज़बरदस्त है, तो मैं पहले बता दूंगा, मैं तो पहले भी गया हूँ वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है इंसान अगर सुबह के टाइम जाता है ना स्विमिंग पूल, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज पानी ज़्यादा ठंडा होता है, फिर उसके बाद हो जाता है। गाइज, ये रहा सिग्नल खुल गया, जो है मैं आ जाता हूँ उस वक्त सिग्नल खुल जाता है, लेकिन कभी कभी इतना लेट करना पड़ता है ना गाइज, इंसान बोर जो था मन करता है सिग्नल तोड़ के चले जाऊँ। और अभी खुल चुका है सिग्नल, अब मैं थोड़ा यहाँ से चलता हूँ तेज़ नहीं चलना भाई, नॉर्मल स्पीड यार, स्पीड उतनी चलाया करो जितना इंसान कंट्रोल कर सकता है। बाकी गाइज, मैंने तो 2 हेलमेटें साथ रखी हुई है, ये देखो एक कहाँ पर रखी है हेलमेट, अगर गलती से भी टायर में फंस गई ना हेलमेट तो टूटेगी नहीं, लेकिन गिरूंगा तो मैं ज़रूर। तो गाइस, अभी मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ यार। यार गाइस, आगे ना नाका लगा हुआ है शायद से, गाइस आगे नाका लगा हुआ है, मैं गाड़ी के पीछे छुप छुप के से ऊपर चले जाऊँगा। गाइस, अगर मैं अगली साइड से होता ना, ये रहा यहाँ पे नाका, इन्होंने पकड़ देना था अभी। और भाई, अभी इधर से ऊपर, यहाँ से ऊपर नहीं होना चाहिए था नाका, नहीं है। ये देखो भाई क्या कर रहा है भाई, पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आता यार लोग करते क्या है यार, लेसन वगैरह पता नहीं कहाँ से बना लेते हैं भाई, रोड के सामने ये करना नाचना। ओ भाई, इंडिकेटर दो जहाँ मर्जी जाओ। बाकी गाइस, आप सब तो सपोर्ट अच्छा करते हो यार, मैं पीछे व्लॉग चेक करता हूँ ना, तो ऐसे ही हमेशा प्यार बनाए रखना, ऐसे फिर मुझे भी मज़ा आता है, मतलब सोचता हूँ कि नहीं मुझे भी व्लॉगिंग करनी चाहिए अगर मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। ये देखो भाई कट, बिना किसी इंडिकेटर के। ओ यार, तो नहीं इंडिकेटर लगाई क्यों ऐसी गाड़ी में? सो गाइस, मैं फ्रेंड के रूम पे आ गया, अब हम यहाँ से दोनों साथ में चलते हैं कहाँ, स्विमिंग पूल में नहाने। आज तो मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा है जम्मू में, तो स्विमिंग पूल के लिए तो एक्साइटेड कौन नहीं होगा भाई, गर्मी है क्या करें, है नहीं सही बात है, बिल्कुल सही बात है, गर्मी कितनी ज़्यादा है, बहुत ज्यादा है। और ये देख सकते हो आप, अभी भी तैयार नहीं है इसको, इतनी गर्मी लग रही है, यहाँ पे भी तैयार नहीं है इसे, यहाँ पे भी कपड़े जी लगा के रखे, इसको इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, तो आप ही सोचो एक एक्साइटेड होगा स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। गर्मी कितनी है? गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो गाइस, अब हम चलते हैं यहाँ से स्विमिंग पूल में नहाने। सो गाइस, अभी फ्रेंड आ गया मेरे साथ, अब हम चलते हैं यहाँ से स्विमिंग पूल के लिए सीधा। अभी मैंने बाइक को न्यूट्रल कर दिया है, अब हम मज़े से चलते हैं यहाँ से नीचे। गाइस, यहाँ से देखो यार कितने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है यार, स्पीड पूरी डाउन कर देनी पड़ती है यार, इतने बड़े स्पीड ब्रेकर को कौन लगाता है यार। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है ना, तो यार अभी हम यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेते हैं। अरे भाई, बजरी 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 पे ना एकदम से स्केट हो जाता है टायर,
कभी भी ब्रेक मत दिया करो, ज़्यादा स्पीड हो निकाल लिया करो वैसे ही। गाइस यहाँ से देखो नई लुक लगवाई है, कोई मोड़ पे ओवरटेक नहीं करना। गाइस बाइक को वॉश भी करवाना था लेकिन मौसम कुछ ठीक नहीं है यार, बाइक की गंदी हालत हो जाती है बारिश में। आप सोच रहे होंगे बारिश में साफ जाती होगी, पर बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस अभी हम पूछने वाले हैं स्विमिंग पूल के पास। सो गाइस ये रही लोकेशन यहाँ पे, अभी मुझे लोकेशन का नाम पता नहीं है, इतना पता है परमंडल में है ये वाली जगह। अब मैं इधर इनसे पूछता हूँ है कौन सी जगह ऐसे प्रॉपर, फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी हम अपनी बाइक को पार्क कर देते हैं साइड पे। सो गाइस यहाँ पे अपनी बाइक को करते पार्क। सो गाइस यहाँ पे अपनी बाइक को करते पार्क। सो गाइस ये रहा इस साइड एंट्री गेट, आगे कंटीन है। अगर आपको कंटीन में जाना होगा तो ये वाला रास्ता इस साइड से बाहर है जहाँ पे बाइक लगी है, और अगर स्विमिंग पूल में जाना होगा तो इस साइड है। स्विमिंग पूल इस साइड में भी है पर इस साइड ज़्यादा सही है इस साइड वाले में। तो अभी हम पहले यहाँ से टिकट काटते हैं दो, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हाँ व्लॉग में बन रहे, बहुत मज़ा आएगा। अभी टिकट वगैरह काट दी हमने यहाँ पे। यहाँ पे तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि लॉकर, बिकॉज यहाँ पे हर कोई चीज़ सेफ रह सकती है, चाबी वगैरह सब कुछ है यहीं पे, फ्री लॉकर है। खाली टिकट के 200 है, बाकी अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले भी आया हूँ लेकिन उस वक्त मैंने व्लॉग में नहीं लाया है। बाकी व्लॉग भैया ये वाली लोकेशन कौन सी है प्रॉपर? कौन सी? दत्ता तालाब बीरपुर है ये लोकेशन। हमने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए इस साइड, ये ड्रेसिंग रूम, इस साइड आप कपड़े वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हो, मेल अलग फीमेल अलग। बाकी एंट्री फी यहाँ पे 200 है 2 आवर्स के लिए, लेकिन आप जब तक जब चाहो मर्जी तब तक कर सकते हो। बाकी मैं अभी चलता हूँ स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। ये रहा स्विमिंग पूल, उस साइड रहा बच्चों वाला, इस साइड। आज तो रश बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज संडे के दिन यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो अभी इस साइड देख सकते हो रश कम ही है, संडे के दिन DJ के साथ फुल। बाकी बाकी साइड देखो यार, ये देखो हमारे साथ यहाँ पे कौन है और कौन आया। तो मज़ा आ रहा है नहाने में। सुबह जब हम यहाँ पे भी नहाएंगे भी पानी के साथ। बाकी चलते हैं पानी के अंदर। सुबह पानी ज़बरदस्त है बिकॉज आज रश कम है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए भी है और मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे। आप एक बार ज़रूर विजिट करना ये वाला स्विमिंग पूल, लोकेशन बताया है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, आज पानी भी बहुत ज़्यादा है गाइस, यही चेक मारो कितना ज़्यादा वादी है। बाकी अब इससे बैक फ्लिप देखो, आज तो पानी के अंदर नहीं लेने वाला मैं कैमरा, रिक्स नहीं लेना भाई मुझे। अरे भाई 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 एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर। मेरा ट्यूब में बहुत ज्यादा डर लग। बाकी मैं आपको एक बार पानी के अंदर जाके दिखाता हूँ। मारा मारा साथ में। ओह भाई एक नंबर। गाइस मेरा ना आज इसका मीडियम मोड लगा के रखा हुआ है, तब जाके मैं पानी के अंदर नहीं ले रहा हूँ। और अगर मीडियम मोड लगा नहीं होता तब मैं पानी के अंदर आपको लेके दिखाता। गाइस अब इन दोनों का चैलेंज है, देखिए जरा इन दोनों में से ज्यादा लेट तक कौन रहेगा पानी के अंदर। रुकना मैं बोलता हूँ, रुकना। 3 2 1 गाइस अभी मुसविर और मुदसर का चैलेंज है, आप देखते जरा ज्यादा टाइम तक अंदर कौन रहेगा। दोनों 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 शाबाश गाइस, दोनों अभी अंदर ही है पानी के अंदर। ये आ गया पहले, मुदसर निकल बाहर बस। ओ गाइस आप भी रेडी कर रहे हैं पता नहीं। ओ बाहर निकल, अब मर तो नहीं गया। ओ मर गया, उड़िया उड़िया। ओ गाइस इसका यार कसे कितना टाइम रहा है पानी के अंदर यार, ये तो इसके हाफ टाइम ही दे रहे भाई। अभी मैं लॉकर में रखने जा रहा हूँ कैमरा बिकॉज अभी मैं थोड़ा टाइम नहाऊंगा अच्छे से। बाकी साइड आप व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ अच्छे से पूरा। आज DJ वगैरह यहाँ पे नहीं लगेगा बिकॉज संडे के दिन खाली, ओनली संडे के दिन यहाँ पे DJ वगैरह लगता है। उस साइड भी स्विमिंग पूल, वहाँ पे उस साइड ज़्यादा गहरा पानी है, उस साइड हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे भी गहरा पानी है, यहाँ पे पर काम है थोड़ा सा, तभी मैं लॉकर में रखने जा रहा हूँ कैमरा। तो चलता हूँ मैं यहाँ से अभी। सो गाइस जब तक हमें नहा शा लिया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, हम कम से कम 1-2 घंटे पानी में कंटिन्यू रहे। और अभी धूप देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा है, ख़त्म हो रही है धूप।
बाकी राश भी कम हो गया। अभी चलते हैं अंदर, अभी रील वगैरह बनाएंगे। अभी तक हमने लॉकर में रखा हुआ था गोप्रो, तो अब हम चलते हैं अंदर, वो देख सकते हैं। अब हम रील वगैरह बनाएंगे मस्त मस्त सी, बाकी चलते ही साइड। इंस्टा पे चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी इंस्टाग्राम की, जाके फॉलो कर देना। गाइस सबसे गहरा पानी ये वाला है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गहरा पानी है। आगे जा थोड़ा गाइस, ये देख सकते हो 7 फीट का बंदा अगर डूब सकता है तो फिर छोटा बंदा मेरे जैसा बंदा तो वहाँ पे गायब होगा। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे तारी मार लेता हूँ, जिसको तारी आती मारे वो यहाँ पे नहाएगा, बाकी यहाँ पे कोई भी नहीं आना गलत है। देखो ये डूब रहा है यहाँ पे, मतलब सिर्फ वहाँ पे जाना, हाइट दिखा कितनी है हाइट, मतलब पानी की हाइट। बस बस खड़ा हो वहाँ पे, वो देख सकते हो पानी की हाइट कितनी ज़्यादा है, वो बंदा नहीं दिख रहा जिसको तारी आती मार रही, खाली वो वहाँ पे जाएगा, बाकी वहाँ पे तो बंदा ऐसे डूब जाएगा। बाकी एप्लीकेशन देखो कितनी ज़बरदस्त, और इस साइड है यहाँ पे कोई भी नहा सकता है, छोटा हो बड़ा हो। इस साइड रहा ये बच्चों वाला, यहाँ पे फॉर वगैरह भी लगे, उस साइड कंटीन वाशरूम वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, फुल फैसिलिटीज़ के साथ। उस साइड कंटीन वगैरह है सारा, और वो वाला है फैमिली या कपल्स के लिए, वो आगे। तो गाइस अभी मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, ये रहा यहाँ पे बच्चों वाला लास्ट टाइम। ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी, बिकॉज कम पानी है ना इसलिए, तो उस साइड सबसे गहरा पानी उस साइड, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। और बाकी साइड देख सकते हो सबसे ज़्यादा इसमें ही होते हैं, ये जाता है इसको आते तारी मारे तभी जाता है, बाकी मैं तो नहीं जाता यार, मैं इस वाले में नहाता हूँ। बाकी आप व्यू देख लो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। वाशरूम वगैरह सब कुछ गाइस यहाँ पे आपको, ड्रेसिंग रूम वाशरूम सब कुछ, खाने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए होगा ना सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। बल्कि आपकी जो चीज़ें हैं ना सेफ हो सकती है वो भी, लॉकर वगैरह सब कुछ, चाबी भी उसकी पड़ी होती है, चाबी इंसान अपने पास रखता है, वो भी वो फ्री है, लॉकर पूरा फ्री है, चाबी देख सकते हो अपने पास। मैंने अभी तक कैमरा भी रखा हुआ था लॉकर में, तो कोई चक्कर नहीं लॉकर का। सो गाइस अभी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया नहा के, क्या बताऊँ, हम कम से कम 3 से 4 घंटे पानी में रहे कंटिन्यू, और मुझे तो जुकाम भी उतर गया थोड़ा थोड़ा। और बाकी आप अंदर देख सकते हो फुल फैसिलिटीज़ है गाइस, यहाँ पे आप कुछ भी सामान रख सकते हो, कोई चोरी का खतरा नहीं। अब ये नहीं कि आप पूरा सामान छोड़ दो नीचे, लॉकर में रखना पे चाबी अपने पास रखनी है, बाकी यहाँ पे चोरी वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। अगर लॉकर में रखोगे आप चाबी अपने पास, कोई मसला नहीं है। बाकी पार्किंग यहाँ पे फ्री है, पार्किंग में आप लगा सकते हो बाइक गाड़ी जो मर्ज़ी, कोई फी नहीं है इसकी, इस साइड भी लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी दिया होगा कितना फीट कौन से बच्चों के लिए, सब दिया हुआ है यहाँ पे। और इस साइड ब्लू वेल वाटर पार्क सब दिया हुआ है भाई, रेस्टोरेंट यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको टोटल फुल फैसिलिटीज़ के साथ। बाकी जो कुछ मैंने ब्लॉग में बताया ना वो कमेंट करके बताना, और उसका रिप्लाई मैं बताऊँगा, मतलब किस चीज़ के बारे में मैंने नहीं बताया। और बाकी यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कितने फीट कितने नहीं है, वो रहा वहाँ पर 4 फीट पूल फॉर बॉयज़, 6 फीट पूल फॉर बॉयज़, 2 फीट पूल फॉर किड्स एंड फैमिली, 4 फीट पूल फॉर कपल्स एंड फैमिली। गाइज ये रहे यहाँ के, ये रहा यहाँ का नोटिस, इतने स्विमिंग पूल है यहाँ पे, आप नहा सकते हो किसी में भी। बाकी आपको कैंटीन वगैरह सब कुछ मिलेगा खाने छाने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं इस वाले। मैं तो सोचता हूँ भाई एक बार आ जाओ यहाँ, आप मज़ा देखना कितना है। लेकिन खाली संडे के दिन ही आना, संडे के दिन खाली एक मज़ा है डीजे का, लेकिन डीजे का कुछ फ़ायदा नहीं, डीजे को क्या करना है भाई, पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आप आगे पीछे आओ संडे के छोड़ कर आगे पीछे आओ भाई, पानी एक नंबर होता है, ठंड मज़ा आ जाता है। बाकी अभी बाइक को भी वाश करवाना है, अब हम यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं अब बाइक को वाश कहाँ करवाते हैं, बहुत ज़्यादा गंद पड़ी हुई है। तब हम निकलते पहले यहाँ से निकले, हाँ हाँ चले, मज़ा आया इधर नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब नेक्स्ट टाइम कब आएंगे, नेक्स्ट टाइम देखते हैं अब कैसा बन रहेगा माहौल। अब हम नेक्स्ट टाइम भी जल्दी आएंगे ज़रूर, नेक्स्ट टाइम और किसी स्विमिंग पूल में जाएंगे, वहाँ का भी आपको बता देंगे ये वाला। तो गाइस अभी मैं फ्रेंड के घर पे था, हमने रेस्ट वगैरह कर लिया, इन्होंने भी रेस्ट किया, इनको सर में दर्द हो गया, क्योंकि जब हम स्विमिंग पूल में कम से कम 1-2 घंटे बैठे ना, 1-2 घंटे बैठने के बाद हम बाइक पे भी हवा आ रही थी और धूप में भी, तो इसको सर में दर्द हो गया, मुझे थोड़ा थोड़ा जुकाम हो गया, बुखार जैसे हो गया, बॉडी हीट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो हम चलते हैं अब ठंडी से, बिकॉज अभी मन भी नहीं कर रहा राइड का, जो हमारी हालत है इस टाइम पे, तो हम चलते ऊपर ठंडी से, ठंडी चलते ना पहले। और आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बुखार में भी ब्लॉग बना रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ चैनल को सब्सक्राइब आपको तो फर्ज बनता है, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ ना, तो रिटर्न में थोड़ा सा मुझे भी मिलना चाहिए। अगर आप देख रहे हो तो
आपको मतलब फ़र्ज मंद है सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं वाइट स्टोरी चेक कर रहा था तो उसमें कोई 53% मतलब जो मतलब सब्सक्राइब नहीं करते पर वीडियो देखते हैं। अब भाई आपको मतलब सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लिया करो यार। 53% ऐसे व्यूज़ है मेरे यूट्यूब पर जिन्होंने मतलब सब्सक्राइब ही नहीं किया है। भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, कुछ नहीं होगा यार। तो चलो मिलते थोड़ा टाइम बाद आप सब, हम बठंडी चलते हैं। अभी हम गुजरात तभी के ऊपर व्यू देख सकते हो कितना ज़बरदस्त है। अभी हम चलते हैं बाइक को वॉश करवाते हैं, बाइक को वॉश करवाने चले। लेकिन गाइस अभी मुझे कैश साथ में नहीं है, अभी नहीं करवाएंगे, सुबह करवाते हैं ठीक है। हाँ गाइस सुबह करवाते हैं। अभी यहाँ पे नाका नहीं होना चाहता आगे, बाकी सब ठीक है, सब सही है। और आज कल अगर यहीं से एंड करते, होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और बने रहे ब्लॉग में हमेशा के लिए।